नमस्कार दोस्तों, त्यागराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण चौधरी आपके बीच मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। अभी तक हमने त्रिभुज पर क्वेश्चन किए थे और पिछली क्लास में हमने आयत शुरू किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम आयत और वर्ग पर क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को जैसा पता है कि आयत क्या होता है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जो जिसमें सभी कोण बराबर और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विबाहु भाजक करते हैं। अभी ये देखिए, ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी के ओ आर एस, ए बी सी डी एक आयत है जिसमें मध्य पोन बिंदु पी क्यू आर और एस है। ये भाई पी है, ये क्यू है और ये R और ये S है। ऐसे क्वेश्चनों में हमें कुछ भी मानना है, भुजाओं को कुछ भी मानना है। हमने भुजाएं 8 और 6 मान ली कि 8 इसकी लेंथ है और 6 इसकी चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 48। अब इसके ये मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु के कारण ये भुजा 4 और ये भुजा 3 और यहां ये मिला दिया, ये 3 ये 4, ये 4 ये 3, ये 3 ये 4 और ये मिला दिए यहाँ, ये एक आयत तैयार हो गया। अंदर पी क्यू आर एस। अब ये त्रिभुज देखो, क्यू पी बी, क्यू पी बी ये कोण 90 डिग्री का, ठीक है, ये इसका लंब और ये इसका आधार, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 3×4। और ऐसे कितने त्रिभुज हैं? 1, 2, 3 और 4, 4 त्रिभुज ऐसे हैं। तो इससे एक हटिया तो 4 × 12 = 24। तो इन त्रिभुजों का अक्षेत्रफल, इनका अक्षेत्रफल कुल मिला कितना है भाई? 24। और टोटल कितना था? 48। टोटल कितना था? 48 और इनका कितना हो गया? 24, ठीक है। तो कितना बच गया भाई यहाँ पे? 24। इसका मतलब ये कितना हो गया? आधा, आधा ये है और आधा ये सब मिला के, तो 1/2 हो जाएगा ए बी सी डी का। आप 8, 6 की जगह 4 और कुछ भी ले सकते हो, इसे 4 ले लो, इसे 2 ले लो, तो ये 2 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। 4 × 8 पूरे उसका आयत का क्षेत्रफल 8 हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 × 2 × 1 और ऐसे कितने हैं? 4, 2 से 2 कट गया, एरिया कितना हो गया? 4, तो अंदर बचे होगा कितना एरिया हो गया? 4, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया मेरे भाई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आयत की लंबाई तथा ऊंचाई 5:3 के अनुपात में, ये होगी 5 और ये है 3। अब उसने कहा कि 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी है, इसमें भी 4 की, इसमें भी 4 की, तो ये हो गया 8/5। आप लोगों ने एज वाले उसमें पढ़ा होगा कि अगर यहाँ कितना बढ़ा भाई, यहाँ भी 4 बढ़ा और यहाँ भी 4 बढ़ा। अब इनका अंतर कितना है? 2 और इनका अंतर यहाँ कितना हो गया? 3। ऐसा थोड़े होना चाहिए भाई, जब जैसे आपने कहा कि 10 थी और ये 15 थी, इसमें भी 3 की वृद्धि कर दे वो, और मान लो 5 की वृद्धि कर दे और इसमें भी 5 की वृद्धि कर दे, तो यहाँ कितना, इनमें कितने का अंतर था? 5 का था और यहाँ 15 हो गए और ये 20 हो गए, तो अंतर अब भी कितना होना चाहिए? 5 का। दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है? 5 का, तो यहां तक 2 का, यहां तक 3 का, तो इस अंतर को इक्वल कर लो, तो ये हो जाएगा 5 × 15 और ये हो गया 3 × 9, ये हो गया 8 × 16 और ये हो गया 5 × 10। अब हमें साफ साफ दिख रहा कि 15 से 16 हुआ तो कितना बढ़ा? 1। 9 से 10 हुआ कितना बढ़ा? 1। 1 की वैल्यू कितनी है? 4। और पूछिए किसकी उसने, तो उसके क्षेत्रफल में कितने सेंटीमीटर का परिवर्तन आएगा? तो यानी ये हो जाएगा भाई 60 और ये 36, 36 × 216 यानी पहले क्षेत्रफल था 2160, अब 16 × 64 और 4 × 40 यानी ये भुजा अब होगी 64 और ये होगी 40, 4 × 16 ऊपर लिख लो, 4 × 16 और 4 × 6 = 24 और 1 = 25, 256, तो ये हो गया भाई 0 0 यानी कितने की वृद्धि होगी? 400 की, तो इसका भी ऑप्शन हो गया भाई सी, ठीक है। हमने क्या किया, पहले अंतर समान किया, उससे पूजा आ गई
15 9 और ये 16 10, तो एक कितने की बढ़ोतरी हुई, इसमें भी एक की और इसमें भी एक की, और एक की वैल्यू 4 थी तो पहले बुझाई थी, 15 6 60 और 9 4 36, तो ये थी 2160। अब होगी 64 × 40 यानी 2560, 2560 में से 2160 घटाया, अंतर आ गया 400 का। उसने कहा एक आयताकार प्लाट का परिमाप 48 है, तो हमें पता है इसका वो होता है 2 + L + B बराबर 48, तो हमें क्या करना होता है, हमेशा इसका परिमाप का आधा लो 24। अब ऐसा ऑप्शन जिनका योग 24 हो, तो 18 6 24, 12 9 21, 36 3 39, 27 4 31, तो ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है। अब अगर दो ऑप्शन आ जाए तो दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए 18 5 90, 18 6 108, तो ऑप्शन हो गया ए। एक आयताकार मैदान की लंबाई, चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है, उस मैदान की चौड़ाई कितनी है। देखो एक हेक्टेयर बराबर होते हैं 10,000 वर्ग मीटर, पर ये एक हेक्टेयर का 1/12 है यानी 10,000 का 1/12 है, और ये होगा 3x × 4x की वैल्यू होगी 10,000 बट्टे 12, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 10,000 बट्टे 12, और वहां से 12 आ गया यानी एक्स की वैल्यू होगी 100 बट्टे 12, ठीक है। और पूछी क्या उसने चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 3x, और एक्स की वैल्यू है 100 बट्टे 12, तो ये हो गया भाई 3 × 100 बट्टे 12, तो 3 × 4 = 12, और इससे ये कट गया कितना हो गया भाई 25 मीटर। ए बी सी डी एक आयत है जिसमें ए बी बराबर एच स्क्वायर है भाई, तो टाइप में स्क्वायर नहीं आता इसलिए हम इन्हें एच गुणा एच लिख दें, एच स्क्वायर है। ए डी बराबर 3 पी है, यदि उसमें एच को 2 गुणा और पी को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा, तो ए बी की एच की वैल्यू आप कुछ भी मान लो, एच की वैल्यू आप अगर 1 मान लो ठीक है, और पी की वैल्यू आपने 2 मान ली क्योंकि आधा करना और उसका डबल करना, कुछ भी मान लो उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, तो ए बी बराबर है एच स्क्वायर यानी ए बी होगी यहां से होगी एच का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और पी की वैल्यू रखेंगे ए डी में तो ये होगी 3 × 2 यानी 6, तो क्षेत्रफल हो गया भाई इसका 6। अब उसने कहा कि ए बी को डबल, डबल का मतलब हो गया एच की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर 4, ये तो होगी 4, और पी को आधा यानी 2 की जगह 1 यानी हो गया 3 × 1 तो ये होगी 3, तो क्षेत्रफल हो गया 4 × 3 = 12, 12 में से ये कितना कम है ये 6, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 गुना, आप इसे 2 लेकर कर लो, ये 2 था ये 2 था, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 और 3 × 6 = 24 हो गया। अब उसने कहा कि h को उसने 2 गुना कर दिया यानी अब कितना हो गया 4 4 का स्क्वायर हो गया 16, और इसे आधा कर दिया 3 × 1 = 16 3 = 48, ठीक है। अब पहले कितना था 24, अब कितना हो गया 48, तो कितना हो गया 2 गुना। भाई वैल्यू रखने से हमें साफ साफ उत्तर दिखाई दे, एक 18 × 12 सेंटीमीटर आकार की फोटो को परिवर्तित किया जाता है जिसमें उसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर हो जाती है, परिवर्तित फोटो की चौड़ाई कितनी होगी। देखो भाई पहले चौड़ाई थी उसकी, लंबाई थी 18 18 से कितनी होगी 27, तो क्या अनुपात हो गया 2 से 3, तो उसकी लंबाई भी 2 से 3 होगी, 2 की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू 18 होगी, तो उत्तर हो गया इसका 18, 2 से 3 हुई तो 2 की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू 18 होगी, ऑप्शन हो गया सी। एक आयत का परिमाप, परिमाप मतलब 2L + B, उसकी और लंबाई क्रम से 40 और 12 है, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी परिमाप दिया हो उसका आधा लिख लो 20, ये होगा L + B = 20, L की वैल्यू 12 दे रखी तो B कितनी होगी भाई 8 सेंटीमीटर, कितनी होगी 8 मीटर। देखिए भाई यहां से वर्ग के क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है, आयत के जो मेंस के क्वेश्चन है वो आपको, आयत और वर्ग के, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, अभी हल्के हल्के क्वेश्चन करा,
वर्ग समन्वयोग क्या होता है? वर्ग होता है भाई एक ऐसा ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं इक्वल हो। सभी भुजाएं इक्वल होंगी तो उसका प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री हो, बराबर होगा, प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 हो गया, तो चार बराबर भागों में बंटेंगे तो ये क्या होंगे? बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो 90 90 होंगे। और इसका जो विकर्ण होता है वो इसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इसमें और इसमें। इसका एरिया अगर 8 है तो ये 4 और ये 4 होगा, और दोनों विकर्ण इसे चार बराबर भागों में विभक्त करते हैं, और इसके विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को लंब समद्विबाहु भाजक करते हैं। यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 का क्यों बनेगा? क्योंकि ये कोण बाइसेक्ट है, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, 45, 90 और ये 90, तो ये क्या होंगे? लंब समद्विबाहु भाजक होंगे, ठीक है। और इसमें विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? अगर ये एक तो ये √2 होगी, क्योंकि मैंने आपको 45 वाला बता रखा कि अगर ये 45, ये 45 हो और ये 90 होगा तो ये एक और ये √2 होगा। तो अगर वर्ग की ये भुजा ए, ये भुजा ए, तो वर्ग का विकर्ण हमेशा √2 होगा। यानी भुजा और विकर्ण में √2 का अनुपात होगा। अब क्वेश्चन पढ़ें। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी अगर पहले का ये है, इसकी भुजा एक, इसकी भुजा एक, और इसका विकर्ण था √2। अब जो नया बनाया, नया वर्ग बनाया, उसका जो विकर्ण है वो इसका √2 गुना है, यानी √2 का गुना है, तो इसका मतलब ये 2 गुना होगा। और 2 गुना होगा तो अगर एक की वैल्यू 200 है तो 2 की वैल्यू 400 होगी, तो ऑप्शन क्या होगा भाई इसका? 400 मीटर। भाई ये √2 की वैल्यू 200 है तो 2 की वैल्यू 400 होगी, इसका √2 गुना है ना। किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो अक्षेत्रफल होगा। भाई अगर वर्ग का विकर्ण √2 होता है और इससे 2 गुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 √2। अब इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें तो ये होगा 2, और ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना बढ़ गया? 4 गुना। अगर आधा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/4, तो उत्तर क्या होगा इसका? 4 गुना। तो कितना बढ़ जाएगा? 4 गुना। एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया? अब हम मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ग की भुजा होगी ए, ये होगी ए, और इसका क्षेत्रफल होता है a², ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर। और अगर एक वर्ग खींचा जाए जो कि इसके विकर्ण पर हो, यानी इस भुजा, ये कितनी होगी? √2। तो इस उस विकर्ण की प्रत्येक भुजा कितनी होगी? √2 √2, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? √2 का स्क्वायर, तो ये होगा 1 और ये होगा 2, तो ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। लेकिन जब विकर्ण दिए हों, दोनों विकर्ण दिए हों, तब क्षेत्रफल होता है a√2, यानी विकर्णों का गुणनफल, और बटे 1/2। ऐसा क्यों होता है? वर्ग का क्षेत्रफल तो a² ही होता है, लेकिन यहाँ √2 √2 की गुणा करने से √2 ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हम यहाँ 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि √2 दोनों कट जाए और यहाँ सिर्फ a² बचे, इसलिए इसका होता है 1/2 और दोनों विकर्णों का गुणनफल। यदि वर्ग की भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भाई पहले 2 थी, ठीक है, पहले कितनी थी? √2 थी, नहीं सॉरी, वर्ग की प्रत्येक भुजा, पहले वर्ग की भुजा थी 2, तो इसका स्क्वायर था कितना? 4। अब प्रत्येक भुजा होगी 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना कम हो गया?
एक रह गया कितने पे, चार पे, तो एक बट्टे चार हो जाएगा। वर्ग की भुजा तीन रूट दो है, उसके विकर्ण की लंबाई होगी। वर्ग के विकर्ण में और उसमें क्या अनुपात बताया था मैंने आपको, रूट टू का। अगर एक की वैल्यू तीन रूट दो है तो रूट टू की वैल्यू कितनी होगी, तीन रूट दो गुणा रूट दो, तो तीन दूनी छ, तो ऑप्शन होगा 6 सेंटीमीटर। ये प्री लेवल के क्वेश्चन है, मैथ्स के भी आप लोगों को कराए जाएंगे। उसने कहा 4400 मीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता हो। ये देखो भाई, अगर वो बाड़ की बात करे तो वो इसके बराबर बराबर घूमेगा, और बराबर बराबर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बराबर बराबर क्या होता है, परिमाप। और अगर वो उसके अंदर की बात करे या बीज लगाने की बात करे तो वो किसकी बात करेगा, अक्षेत्रफल की। तो उसके चारों ओर बाड़ लगानी, तो बाड़ लगानी यानी मैदान से बाहर रहना। अब ये होता है ए, और ये तो ये होगा इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर, और ये होगा 441 के इक्वल। 441 का स्क्वायर होता है 21 और 100 का स्क्वायर होता है 10, तो ये हो गया 210। ए की लंबाई होगी 210 और वर्ग का परिमाप होता है भाई 4 है, और 4 गुना 210 बराबर हो गया 840, तो ऑप्शन हो गया बी। यदि किसी वर्ग ए बी सी डी के विकर्ण, ए सी की लंबाई 5.2 है तो उसका क्षेत्रफल होगा, मैंने आपको बताया कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, 1/2। वर्ग का विकर्ण होता है, अगर भुजा ए है तो वर्ग का विकर्ण ए रूट टू होता है, इसलिए उसका वर्ग का क्षेत्रफल ए रूट टू इंटू ए रूट टू होता है, ठीक है, यानी विकर्ण गुणा विकर्ण। और हम यहाँ 1/2 लगा देते हैं जिससे कि क्षेत्रफल ए स्क्वायर ही है, तो 5.2 गुणा 5.2, ठीक है, इससे काटेंगे 26, 26 दूनी 52, हासिल लगे 5, 26 पंजे 130 और 5 135, और 2 दशमलव है तो 2 दशमलव यानी 13.52। दो वर्गों का परिमाप 24 और 32 है, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप, भाई साहब 888 है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना कि एक वर्ग ये है एक वर्ग ये है और इन दोनों को जोड़कर बनाए गए उसका क्या होगा, देखो 24 है 32 है और ये बताना, तो ये 3 का है, ये 4 का है और ये 5 का, देखो 3 8 24, 4 8 32, 888 है ना, 3 4 5, 3 8 24, 4 8 32, तो 5 8 40। वैसे हम फिर क्या करते, 3 8 इसे काटते 4 से, तो 4 6 24 इसका होता 6 और 6 का स्क्वायर 36, इसे 4 से काटते तो 8 8 64, और 36 और 64 को जोड़ के लिखते ये होता 100 100, 36 और 64 कितने हो गए भाई 100, यानी आ गया 10, तो इसकी भुजा होगी 10 और 10 गुणा 4 बराबर कितना हो गया 40। तो हमें ये 888 से करना, 3 4 5 छोटी 888 है, तो ये चेक करनी है 24 है तो 8 गुणा, तो ये भी क्या होगा 8 गुणा, तो 8 5 40। दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग मीटर है, तो बड़े खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। भाई देखो, ए उसने कहा कि x प्लस के 2 माइनस के x का स्क्वायर बराबर 32 है, ठीक है, तो यहां से अगर हम इसे खोल लें तो ये होगा x स्क्वायर प्लस के 2 2 4x प्लस के 4 माइनस के x स्क्वायर बराबर 32। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4x बराबर आ गया 32 माइनस के 4 बराबर 28, तो x की वैल्यू आ गई यहां से 7, तो बड़े की बतानी, तो 7 प्लस के 2 ये हो गया भाई।
किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a है, तो मैंने बताया वर्ग के विकर्ण की लंबाई अगर a है तो उसे लिखेंगे 1 बटे 2 a गुणा a, यानी ये हो गया a स्क्वायर बटे 2। तो ऑप्शन सी, भाई स्क्वायर नहीं लिखा जाता इसलिए हम a गुणा a लिखते हैं। किसी वर्ग के अक्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के बीच का अनुपात, अभी तो बताया कि ये 1 होगा और ये रूट 2 होगा, तो 1 का स्क्वायर और ये रूट 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो हमेशा कितने अनुपात में होगा ये 1:2 के। समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न, भाई देखो समचतुर्भुज वैसे तो हम कल की क्लास में करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, तो 2 8 16, तो 12 8 96, तो ऑप्शन हो गया 96 वर्ग सेंटीमीटर।